वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है 14 फरवरी, तो आप सबको मेरी तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आई होप आप लोग अपने वैलेंटाइंस अच्छे से इंजॉय करेंगे। हम लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं और हमारे घर का सारा काम एकदम कम्प्लीट हो जाए, बस उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए एक होम टूर, आप लोगों के साथ होम टूर शेयर करना है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ होम टूर शेयर करने के लिए, एंड आई नो आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हो। सो गाइज, थोड़े दिनों की बात है, बहुत ही जल्दी आपको होम टूर मिलने वाला है। हमारे घर में कुछ लोग आए हैं जो हमारे घर में कुछ नया एडिशन करेंगे। सो चलते हैं, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। आई होप आप लोग आज के व्लॉग को एंजॉय करेंगे। इन केस आप लोग चैनल पे नए हैं, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये लोग मेजरमेंट ले रहे हैं वॉल का, बिकॉज इस वॉल पे लगने वाला है सुंदर सा वॉल पेपर, जिससे हमारे रूम का लुक और भी ज़्यादा निखर के आएगा। सो यहाँ पे ये लोग आज यही काम करने के लिए आए हैं और डिफरेंट रोल्स लेके आए हैं डिफरेंट रूम्स के लिए। स्टे कनेक्टेड इन द व्लॉग। आप लोगों को भी थोड़ी देर में मैं रिवील करूंगी किस रूम में कौन सा वॉलपेपर लगाया है। तो गाइस, यहां पे हमारा शोरूम भी एक्साइटेड है, घर में वॉलपेपर्स लगने वाले हैं। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और बेडरूम की वॉल, इस पे भी वॉलपेपर लगने वाला है। तो बस अभी आपको थोड़ी देर गाइस, ये हमारे ड्राइंग रूम की वॉल्स हैं जहाँ पे हम लोग वॉलपेपर लगवाने वाले हैं। सेकंड बेडरूम में, तो यहाँ पे हमारी ये वाली वॉल जो है, ये इसमें हम वॉलपेपर करवा रहे हैं। तो इसका भी लुक दिखाते हैं आपको थोड़ी देर से। और ये शॉरी मुझे बिल्कुल भी ना वीडियोस बनाने नहीं दे रहा है। चलो गाइज, यहाँ पे केमिकल भैया ने रेडी कर दिया है जो इसके ऊपर लगाना होता है वॉलपेपर के ऊपर, जिससे कि वॉल्स के ऊपर ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तो मैंने सोचा इनको देख के मेरा भी मन किया, मैं भी ट्राई करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने भी एक वॉलपेपर पे अप्लाई किया और बड़ा मज़ा आया मुझे। इस तरह के कुछ नए नए काम करते रहना चाहिए लाइफ में। सो बस मैंने भी अपने मज़े के लिए कर दिया ये काम। उसके बाद भैया ने बोला लाओ मैं करता हूँ फाइनली। फर्स्ट रूम में देखते हैं कैसा लुक निकल के आता है। गाइस, अगर आप लोग भी अपने घर में इस तरह का कुछ वॉलपेपर्स का काम करवाना चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक करना। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और मतलब हम लोग तो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। सो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। हो चुकी है, पीछे देख सकते हैं आप बैकग्राउंड में, और ये सिलेक्शन हम दोनों ने मिलकर करी थी जो टेक्स्चर वाला था डिज़ाइन। तो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इंटीरियर खत्म हो जाए उसके बाद आप लोगों के साथ होम टूर ब्लॉग लेके आने वाली हूँ। तो गाइस, स्टे कनेक्टेड इन द ब्लॉग। अभी दूसरे रूम का भी होना है। सो गाइस, इसके बाद मैं आ गई किचन में लंच बनाने के लिए, और आज हम लोग किचन में भी वॉलपेपर लगवाने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि किचन को फ्री कर देती हूँ जल्दी से लंच वंच बना के। और लंच भी मैंने आज सिंपल सा बनाया, मैंने बनाई दाल और साथ में बनाए राइस, उसके साथ में दही खाया। और समर्स आ गई हैं हल्की हल्की सी, तो बस सैलड खाना अच्छा लगता है। सो मैंने यहाँ पे टमाटर कट कर लिया, इसके बाद मैंने थोड़ा सा खीरा भी कट कर लिया, और बस यहाँ पे हमारा लंच बन के रेडी है। सिंपल सा लंच खाएंगे आज, बिकॉज शाम को हो सकता है हम लोग कहीं बाहर जाएँ, बिकॉज आज वैलेंटाइंस डे है, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, लेट्स सी। सो तब तक मेरी लंच की तैयारी हो गई, और इसके बाद किचन में वॉलपेपर लगेगा। सो किचन का भी आपको एक नया ही लुक देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी मेरे आने वाले व्लॉग्स में। सो यहाँ पे लंच रेडी है, और इसके मम्मी भी उस रूम में भी बहुत अच्छी तरीके से लगाए गए, सुंदर लग रहे हैं सारे, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। तो ऐसा नहीं कॉर्नर्स तो सही से मिलाए इन्होंने, नीचे भी ऊपर भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है, देख के मजा आ रहा है। ये है वैभव, और इन्होंने ही करवाया है सारा, ये जो हमारे इस बार डिजाइनिंग का है वॉलपेपर्स का। कैटलॉग्स भेजे थे तो उन्हीं में से हमने कुछ डिजाइन वगैरह चूज की। अपनी पसंद की कोई पिक्चर बनवानी हो तो वो भी पॉसिबल है। हाँ जी, वो भी बन जाती है। वो हमारे को एक दो दिन का टाइम देना होता है, उसमें हम कस्टमाइज कराते हैं जो भी आपको क्वालिटी अच्छी है। जैसे मान लो मैंने अपनी पिक्चर लगवानी हो, हाँ, या किसी ने उसे होता है ना 3D में, जो भी आपको होगा, आपको डिजाइन या पिक्चर जो भी आप दे दो वो कस्टमाइज हो जाते हैं। और फिर वो थोड़ा सा उसका एक्सपेंसिव रहता है क्योंकि वो कस्टमाइज होता है, बट बहुत ज्यादा मेजर फर्क नहीं है, थोड़ा एक्सपेंसिव। अगर वॉलपेपर्स लगवाने हो, दे कैन कॉन्टेक्ट अस,
वो लिंक में नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इनसे चेक कर सकते हैं और कैटलॉग वगैरह सब ऑनलाइन भेज देते हैं। हमें तो अच्छा लग रहा है अपना वॉलपेपर, हमें सारे रूम्स मस्त लग रहे हैं। अभी ड्राइंग रूम रह गया है तो उसका लुक भी दिखाएंगे। सो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैगी ये दो भैया लोग के लिए, इनको भूख लग रही है और ये स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आईने को भी मिलेगी। और यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अभी किचन का वॉलपेपर। भूख लग रही है, भूख लग रही है, दो मिनट में बनेगी मैगी आपके लिए, ये देखो। सो गाइज किचन का वॉलपेपर वर्क भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। मैं पूरा लुक रिवील नहीं कर रही हूँ अभी, बाद में मिलेगा आपको फुल टूर। सो कैफे वाली वाइब्स आ रही है ना, एकदम से मस्त लग रहा है। एंड गाइज मेन चीज़ होती है कि ये जो वॉलपेपर जो लोग लगाते हैं ना, वो कितनी सफाई से लगाते हैं, उसी से पूरा लुक निकल के आता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा काम किया है, तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप लोगों को भी, अगर आप लोग भी चाहते हैं ना तो अपने घर में वॉलपेपर के लिए आप लोग इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तो गाइस शाम के 6 बज गए हैं और ये लोग सुबह 12:30 बजे के आए थे। बस अब हमारा ऑलमोस्ट जो लास्ट रूम है उसमें वॉलपेपर चल रहा है और अभी बड़ा अच्छा सा फील आ रहा है देख के। मैं आपको पूरा कंप्लीट होने के बाद दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। जहाँ से हमने वॉलपेपर्स करवाए हैं तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और आप लोग भी अगर चाहते हैं इस तरह का वॉलपेपर वगैरह आप लोग देख रहे हैं अपने घर के लिए, तो इनसे करवा सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों ने आज के इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो गाइज यहाँ पे लिविंग रूम का भी वॉलपेपर ऑलमोस्ट डन है एंड आई रियली होप आप लोगों ने मेरे आज के ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी। बाय बाय।